साइकिल पे घूमते फिरते आ गए हो साइकिल पे लिया 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 आ गया आ गया मैं जाऊंगा सही है ना गन्ना ही गन्ना हो रहा है यहां गन्ना ही गन्ना है सारे में गन्ना ही गन्ना है गन्ना ही गन्ना यहां तो ऐसे ये खोद दिया उन्होंने आगे ये रास्ता वहां पर हो गया सही अंदाजा है सवाल था जी आप मिट्टी वैसे ही काम में मिट्टी ले जा रहे थे खोद के उसमें से तो अच्छा जी और उसमें कुछ वो वर्क बांध निकले थे तो वो फिर पूछना होगी कि सोचना होगी न्यूज वाले आ गए तो वो 15 कंकाल निकले थे अच्छा तलवार मिली थी दाल मिली थी हां बहुत और काफी सब कंगन मिले थे सोने के अरे वहां मिला था रात वहां अरे मैक्स भाई अच्छा ओ ये यहां से मिला था जी है तो ये तो बढ़िया हमारे लिए ये तो जा सकते हैं बिल्कुल थोड़ा भैया बता भी देंगे ना यहाँ के बारे में क्या क्या हुआ था कैसे हुआ था साइकिल देना है ना इधर आ जाओ लाइट इधर रोशनी तो यहाँ पे कब हुआ था क्या कैसे हुआ था यहाँ ये 2005 में हुई थी जी आपको पता ही उसके बाद लेटेस्ट भी अभी भी हुई कुछ एक वो 2018 में उधर हुई थी उस वाले में जहाँ से रथ निकला रथ निकला था 2018 में हुई थी ओके वहाँ रथ निकला था और यहाँ पे क्या निकले 115 कंकाल निकले थे पूरे के पूरे ओहो और डाल तलवार और वो एक बैंत की कैप होती है ना जैसे कैप चढ़ा दे तो उसमें सोने की कैप मिली थी अच्छा कंगन मिले थे यहाँ पे अच्छा ये तो फिर सारे यहाँ से म्यूजियम में कलकत्ता पहुँचा दिए थे अच्छा आपके जो सामान गया है वो सारा लाल किले पे है अभी यहाँ कुछ नहीं है अच्छा शाही कब्रगाह था ये मतलब हमें तो ये बताया गया कब्रिस्तान बोले यहाँ पे सभ्यता को रहने के लिए क्या बेनिफिट था यहाँ नदी बराबर में नदी यमुना है ना यमुना है किलोमीटर पुल बन गया वो नहीं बन गया जी अभी तक जो बनना था पुल बन गया जी तैयार होने वाला जल्दी ये सड़क में तो यहाँ से फिर सोनीपत और पानीपत के कहीं बीच में निकलते होंगे यहाँ से नदी की हो जाएगा 60-65 किलोमीटर और सोनीपत सोनीपत तो बहुत नजदीक है सोनीपत के आसपास निकल जाएंगे यहाँ से अगर सीधे निकलेंगे फिर यहाँ पे तरक्की हो जाएगी हाँ मैम मुझे देख रही है ये पुल भी चल रहा है कहाँ जाने के लिए जमीन तो ये तो गांव की होगी हमारे पड़ोसियों की थी उन्होंने खरीदी थी अब तो उन्होंने ले ली होगी सरकार ने अभी तो गवर्नमेंट के अंडर में ही पड़ी ना ये गवर्नमेंट ने जब तो पड़ी नहीं तो इसमें तो बुआई तो कर लेते अब वो भी ये जमीन वाला भी ये चाह रहा कि इसमें म्यूजियम बन जाए यहाँ हाँ जी नहीं बढ़िया बनना चाहिए वैसे तो गांव का भी नाम होगा देश का नाम होगा दूर दूर से लोग आएंगे तो बन जाएगा आराम से म्यूजियम बनना चाहिए इसीलिए वो नहीं रहे नहीं तो एक सार करके वो भी सके थे लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई ये इसको क्योंकि नाम हो जाए जमीन नहीं नहीं बढ़िया ये तो पूरी दुनिया के नक्शे में आ जाएगा फिर तो इसका 400 बीघे जमीन का इन्होंने एक्वायर करने का वो भेज दिया सारे गांव सारे आसपास के जितने भी आगरा वगैरह से इसके फाइल ठीक ठीक अब तो देखो कब होगा ये ये तो आगरा के अंदर आता है ये यूपी यूपी आज मैक्स भाई के साथ हम आए हैं सिनौली जहां पे कुछ दिनों पहले कुछ सालों पहले हड्डियों के अवशेष मिले थे 5000 साल पुराने हड्डियों के अवशेष एक कब्रगाह थी कहते हैं कि यहाँ पे 113 करीब कंकाल मिले जिनके अंदर अलग अलग तरीके के मतलब कई लोगों ने कुंडल पहने हुए थे कईयों ने लोहे के कुछ गहने पहने हुए थे कंकालों ने किसी के पास सोने के कान के कुंडल मिले हैं तो आइए आगे जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये जगह मिली तो जहाँ जिस वक्त हम यहाँ पे जहाँ चल रहे हैं हो रखे हैं ये देखो कंकाल देखिए किस तरह का कंकाल है ये माय गॉड ये हड्डी है ये पुरानी हड्डी दिख रही है हमारे को हड्डी मिल मतलब जिस जगह हम चल रहे हैं उसी के नीचे हुआ था जो भी है यहीं से मिला है हाँ, तो हम बोल तो रहे हैं कि एएसआई ने 400 बीघे जमीन पूरी एक बार तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इस पर चलने दिया जा रहा है दिल्ली यार लेकिन हमने सबसे पहले मतलब बिल्कुल सबसे फर्स्ट नंबर वन आज हमारी साइक्लोपैथ की टीम नंबर वन जो पहले राइड करके सिनौली गांव के अंदर आई है देखिए हमारे साथ हमारे मेंबर राहुल रिविना जी
और क्या नाम है हमारे नेशनल एथलीट चेतन ओबराय। रेस्पेक्ट नहीं है, राहुल जी नहीं बोला। मुकुल भाई, मुकुल भाई कहाँ गए? हमारे दक्ष भाई भी रह गए। वो दक्ष पीछे आ रहा है। अच्छा राहुल जी, नहीं ये गाइस मैं हूँ, ये गाइस हमारा साइक्लोपाथ है और ये हमारी पारी हो रही है। यार जो विकास को वीडियो एक लाइव बना दो छोटा सा, उसका बर्थडे आज। जाओ हैं, चिंता मत कर तू, मैं डबल कर रहा हूँ। बोर्ड ढूंढ लेना एक बार, मैं आया बोर्ड के चक्कर में हूँ। बोर्ड? हाँ सिंधौली का बोर्ड। वो किधर है वो जो क्या है वो? ये था यहाँ पर था। अरे यहाँ था तो ये तो गन्ने उगा दिया। गन्ने उगा दिया अपने को। और वहाँ था। अच्छा 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 अच्छा, कुछ तो अंदाजा लगा होगा ना यहाँ पे। चलो बढ़िया, वहाँ से कैंसिल लेना। बढ़िया बढ़िया, चलो आप फिर उधर चलो। ये पहले से ही है भैया। वैसे जो ये पूर्णिया पट्टी है ये सादिकपुर है और ये मान और ब्राह्मणों की पट्टी है। जो ये दोनों एक गांव जोड़ दिया। तुम अपने पूर्वजों के ऊपर चल रहे थे। हाँ ये बात तो सही कही।